हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं बात करने वाली हूँ ये डेपी वाइट क्रीम का जो कि मेरे पास है एंड मैंने इसको आई थिंक 1 वीक पहले मंगवाया था। मैंने इसको 1 वीक तक रेगुलरली इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। बाय द वे मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ इसकी प्राइस क्या है, क्वान्टिटी आपको कितनी मिलेगी एंड कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितने दिन तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, कब तक आपको उसको इस्तेमाल करना है एंड इसका जो रिजल्ट्स है वो परमानेंट है या नहीं। मतलब इस क्रीम के बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अगर आप इस क्रीम को लेना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, देन इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखने के बाद ही इस क्रीम को लो, क्योंकि अभी जो है बहुत लोग जो है स्पॉन्सर्ड वीडियोज करते हैं तो आपको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बहुत सारी वीडियो से नहीं मिल पाता है, बट मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन मिलने वाला है एंड मैं खुद ट्राई की हूँ इसकी वजह से मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो देन मेक श्योर चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है एंड उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप नोटिफाइड हो। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करो क्योंकि इसी टाइप की वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ एंड अगर आपके कुछ डिमांड हो कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियोज चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करो, मैं सभी का रिप्लाई देती हूँ एंड सभी के कॉमेंट पढ़ती भी हूं। तो कमेंट कर देना एंड इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लेना, dazzlesweetie.072 से है। चलिए वीडियो को ऑलरेडी गाइस, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसे मैंने अमेजोन से मंगवाया है 489 रुपीज का एंड अभी आई थिंक 3% 4% ऑफ में मिल रहा है, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप मेरी लिंक से लोगे तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस लिंक होगा तो आपको वहीं से लेना है। बाय द वे अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो ये आपको 15 ग्राम क्वांटिटी के साथ आता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है एंड ज्यादा छोटा भी नहीं, लाइक मीडियम है आप देख सकते हो एंड ये अराउंड आपका 1 या फिर 1.5 मंथ तक आराम से चल जाएगा अगर आप सिर्फ यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर 1-2 जन यूज करोगे तो आई थिंक 1 मंथ बहुत है। ठीक है, सो क्वांटिटी अच्छा खासा मिल रहा है एंड प्राइस भी डिसेंट है। इसमें सबसे मेन जो है वो है कोजिक एसिड, बट इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिलाई गई है जैसे कि हाइड्रोक्विनाइन जो कि अगेन आपके स्किन को हाइड्रेट करता है एंड ऑल्सो स्किन टोन को इवन करता है, स्किन को इनहेंस करता है। ठीक है, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है एंड ऑल्सो सोडियम एक्रिलेट मिलाया गया है, एल्यूमिनियम सिलिकेट मिलाया गया है, लैक्टिक एसिड मिलाया गया है जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो ये सारी चीजें जो है मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप देख लेना। ये सारी चीजें मेन हैं बट सबसे मेन क्या है, कोजिक एसिड। ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम करता है एंड मैं अगेन आपको बता दूं इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मिलाई गई है सेफेस्ट साइड में है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब मैं बात करूंगी कि इसे कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे 18+ जितने भी लोग हैं सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसे कैसे इस्तेमाल करनी ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो इसको जो है आप मॉर्निंग में एक बार और एक बार नाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो एक बार आप जो है नाइट में फॉलो करो स्किन केयर के साथ। तो इस क्रीम को लगाने से पहले आपको प्रॉपर स्किन केयर करनी है। ठीक है, स्किन केयर में आपको फेस वॉश करनी है, आपकी स्किन को क्लीन करना है, उसके बाद कोई भी टोनर वगैरह यूज कर सकते हो या फिर सीरम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए उसके बाद इस क्रीम को लगानी है, ज्यादा नहीं, लाइक मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा क्वांटिटी आपको इसका लेना है एंड देन जैसे कि आपको पिगमेंटेशन है, ठीक है, तो वही एरिया में लगानी है, जैसे कि मैं यहां पे है अगर आपको, ठीक है, तो यही एरिया पे लगा करके एंड देन छोड़ देना। अगर आपको पूरे फेस पे टैनिंग है तो पूरे फेस पे लगानी है एंड अगर आपको इंडिविजुअली एरिया में है तो वहीं पे जस्ट लगानी है, पूरे फेस में नीड नहीं है। अगर आप पूरे फेस में लगा देते हो तो क्या होगा, आपके जो भी आपका प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आपको नहीं करनी है, लगा करके थोड़ा सा मसाज करना है एंड वो अगर आपको पिगमेंटेशन यहाँ पे है तो आपको थोड़ा सा वहां पे फोकस करना है, थोड़ा सा मसाज करनी है एंड देन ओवरनाइट छोड़ देना। मॉर्निंग में आपको कैसे करना है, मॉर्निंग में आपको प्रॉपर स्किन केयर करना है, फेस वॉश करना है, सीरम यूज करना है, टोनर यूज करना है। अगर आपके पास नहीं है बजट में तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ स्किन केयर का यू नो परचेज लिंक डाल दूंगी तो आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान करना कि आप इस टाइप की चीजें जब इस्तेमाल करते हो, खास करके कोजिक एसिड या फिर ग्लूटाथायोन का चीजें, तो आपको जो है केमिकल वाली चीजें नहीं इस्तेमाल करनी है स्किन केयर में। ठीक है, सो आपको जो है
फेस वॉश करना है, सीरम इस्तेमाल करना, टोनर वगैरह जो भी आप करते हो, एंड देन आपको इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप जो है सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हो नहीं, करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, इस टाइप की चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको साथ साथ आपके स्किन को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरना क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा फिर धूप में जाने के बाद जो है स्किन डल और डार्क हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ध्यान रहे कि मॉर्निंग में आपको सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। अगर आपके पास नहीं है तो मैं 3 से 4 सनस्क्रीन का परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो कि दी बेस्ट है एंड बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। एंड बिना केमिकल का, कोई भी केमिकल आपको नहीं मिलेगा, सो जाके चेकआउट कर लेना। एंड इस क्रीम का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसका रिजल्ट आपको कितने दिन में मिलेगा, तो इसका रिजल्ट आपको फर्स्ट वीक से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा गाइस, इसका रिजल्ट अमेजिंग है। मैं खुद ट्राई कर रही थी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल और डार्क हो गई थी, तो ये बहुत अच्छे से काम किया, मेरी स्किन पे टैनिंग बहुत अच्छे से रिड्यूस किया, एंड ऑल्सो स्किन को इवन करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, आपकी टैनिंग को रिड्यूस करता है, उसके बाद आपकी स्किन को इवन करेगा, एंड देन आपकी स्किन को लाइटनिंग करना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको बता दूंगा गाइस, ये आपकी स्किन को पील नहीं करता, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइन पीलिंग होती है जो कि आपको पता भी नहीं चलेगी, एंड अगर आपके स्किन पे डेड स्किन सेल है तो उसको भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा, आपके स्किन को बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल बना के रखेगा। एंड ये जो है आपको ज्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करनी है। अगेन मैं आपको बता दूं, ये आपको जस्ट 2 या फिर 1-1.5 मंथ तक इस्तेमाल करनी है। जब आपको इससे रिजल्ट मिल जाएगा तब आपको बिल्कुल स्किप कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एज अ ब्यूटी क्रीम जैसा इस्तेमाल कर रहे हो, रेगुलरली लगा रहे हो, एंड देन ऐसे नहीं करनी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं गाइस, इसको आपको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक ब्यूटी क्रीम भी नहीं है एंड ये एक मेडिकेटेड क्रीम भी नहीं है, लेकिन बीच में है ये कुछ, ठीक है। तो इसको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इंग्रीडियंट बहुत ज्यादा सेफ है, इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट गाइस, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, वैसे तो ये फॉर ऑल द स्किन टाइप के लिए है, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ध्यान रखना, आपको पैच टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है करनी। एक बार आपको पैच टेस्ट कर लेना है, उसके बाद कंफर्म हो जाना कि ये आपको सूट करने वाला है, एंड देन आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक। ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड सभी को रिजल्ट इसका मिलेगा, बट आपको प्रॉपर रिजल्ट के लिए एटलीस्ट 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ तक इस्तेमाल करना है, एंड एटलीस्ट आपको 2 मंथ तक इसको रेगुलरली फॉलो करना है, एक दिन भी आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से इस्तेमाल करना है एंड प्रॉपर स्किन केयर भी आपको करना है। ऐसा नहीं है कि इसी क्रीम को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो एंड प्रॉपर स्किन केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करोगे तो कोई भी साइड इफेक्ट, वैसे साइड इफेक्ट्स का कोई भी नहीं है, कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल सेफ साइड में है। और आज गाइस, तो यही इस क्रीम के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको A to Z बता दिया इस क्रीम के बारे में। इसका परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लेना, एंड आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आपको वहीं से लेना है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारी वेबसाइट में अलग अलग जगहों पे फेक भी मिल रहा है, तो आपको ओरिजिनल लेना है अगर इसका, तो आपको अमेज़न से ही लेना है, मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है। स्किन केयर का कुछ फेस वॉशेस वगैरह एंड मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन मैं बिल्कुल डाल दूंगी, उसका भी चेकआउट कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल लेनी है। ध्यान रहे कि कोई भी केमिकल वाला बिल्कुल भी ट्राई मत करना, अगर आपके पास है तो वो आप बाद में कर लेना, बट जिस टाइम आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो उस टाइम आपको केमिकल वाला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। सो यही आज का वीडियो, एंड यही था इस क्रीम के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये जो क्रीम है ये बहुत ज़्यादा अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करता है एंड कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। सो यही आज का वीडियो, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जिनको भी इस टाइप के वीडियोज पसंद हो। और अगर आपने चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो, देन मेक श्योर चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है, उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूं गाइस सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे, सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले आप नोटिफाइड हो। तो अभी तो ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं शेयर करती रहती हूँ, एंड अगर आपके कुछ भी डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई देती हूँ एंड करती हूँ, या फिर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मैं तो अगले वीडियो में चलता हूँ।